26 जुलाई 2015 को रशिया की एक सिटी जिसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग है, उसके एक पार्क में एक कपल अपने डॉग के साथ वॉक कर रहा था और वॉक करते करते वो डॉग एक दूसरी डायरेक्शन में जाने लगा और वो अपने मालिक को खींचने लग गया था और खींचते खींचते वो उन्हें एक पॉन्ड के पास ले गया और उस पॉन्ड के पास एक पॉलीथीन पड़ी थी और वो उस पॉलीथीन को देख कर बार बार भौंकता जा रहा था। और जब ये सब देख के उस मालिक ने, उस कपल ने उस पॉलीथीन को चेक किया तो उसमें एक डेड बॉडी थी। दैट बॉडी वॉज रैप्ड इन द बाथरूम कर्टन। और ये सब देख के उन्होंने इंस्टेंटली पुलिस को कॉल किया और जब पुलिस वहाँ आई और उन्होंने वहाँ की जांच पड़ताल करी और उस बॉडी को देखा तो उस बॉडी की फिंगर्स नहीं थी, उस बॉडी का हेड नहीं था और उस बॉडी के लंग्स नहीं थे। इसके बाद पुलिस ने वो बॉडी ऑटोप्सी के लिए भेज दी और क्योंकि उस बॉडी का सर नहीं था उस पर तो उसे आइडेंटिफाई करने में टाइम लग गया। और इस सब के एक दिन बाद ही यानी कि 27 जुलाई को वो बॉडी आइडेंटिफाई हो चुकी थी और वो बॉडी एक वैलेंटिना उलानोवा नाम की लेडी की थी और उस लेडी की उम्र 79 थी। और बॉडी आइडेंटिफाई होने के बाद पुलिस ने जब और इन्वेस्टिगेशन करी तो उन्हें पता चला कि जो वैलेंटिना थी वो पास ही में दिमित्रोव स्ट्रीट में रहती थी। ये सेंट पीटर्सबर्ग्स में एक स्ट्रीट का नाम है और जहाँ बॉडी मिली थी ये जगह उससे पास में ही थी और यहीं वैलेंटिना रहा करती थी। और जब और इन्वेस्टिगेशन करने पुलिस वैलेंटिना के घर गई तो एक दूसरी बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और जब पुलिस ने उससे वैलेंटिना के बारे में पूछा तो उस बूढ़ी औरत ने रिप्लाई किया कि हाँ, वैलेंटिना मेरी दोस्त है और मैं उसके घर पे एज ए केयर टेकर काम करती हूँ और वो काफी दिनों से गायब है, मैं उसके बारे में बहुत चिंता में हूँ, प्लीज आप उसे ढूंढिए। और जब पुलिस और इन्वेस्टिगेशन करने लगी उस घर के अंदर, द होल हाउस वॉज फाइन, पूरा घर सही था एक्सेप्ट बाथरूम। जब पुलिस बाथरूम में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंची तो उन्होंने देखा कि जो बाथरूम के कर्टन्स थे उनमें से एक कर्टन जबरदस्ती निकाला गया था। लाइक उस रॉड पे उस कर्टन के हुक्स तो थे लेकिन वो कर्टन वहां नहीं था। ये देख के पुलिस थोड़ा सस्पिशियस हुई और जब उन्होंने बाथरूम में और जांच पड़ताल करी तो उन्हें वहां खून के निशान दिखे और वो देख के पुलिस का शक पूरा उस बूढ़ी औरत की ओर चला गया। और जब पुलिस ने उस बूढ़ी औरत से उसका नाम पूछा तो उसने रिप्लाई किया, तमारा सैमसोनोवा। हे एवरीबॉडी, माय नेम इज श्रेयांस सोनी एंड आई एम बैक विद अ न्यू केस, थिंक ऑफ योर ग्रैंडमदर। जब हम हमारी दादी के बारे में या कोई भी बूढ़ी औरत के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है कि वो बहुत ही लविंग होगी और वो छोटे बच्चों से बहुत प्यार करती होगी और वो बहुत ही वीक सी एक लेडी होगी। लेकिन टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ ओल्ड लेडी। हम एक ऐसी बूढ़ी औरत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने 15 साल में ब्रूटैलिटी से कम 14 लोगों की जान ले ली। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड डाइव इनटू द टुडेज केस विच इज रिवॉल्विंग अराउंड टमारा सैमसोनोवा एज नोन एज ग्रैनी रिपर एंड बाबा यागा। तमारा का जन्म 25th of April 1947 में हुआ था उजुर के अंदर। उजुर एक छोटी सी सिटी है रशिया के अंदर। तमारा का बचपन उजुर में ही निकला था, उसने अपनी स्कूलिंग उजुर के अंदर ही की थी और अपनी हाई स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद तमारा मॉस्को आ गई थी अपनी कॉलेज के लिए और उसने मॉस्को स्टेट लिंग्विस्टिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। और अपनी कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद तमारा सेंट पीटर्सबर्ग में शिफ्ट हो गई थी और वहाँ शिफ्ट होने के बाद उसकी मुलाकात हुई एलेक्सी सैमसोनोवा से लगभग 1971 में, जब तमारा की उम्र 24 थी। और एलेक्सी से मिलते ही तमारा को एलेक्सी से प्यार हो गया था और एलेक्सी को भी तमारा से प्यार हो गया था एंड दे गॉट मैरिड। और शादी के बाद वो दिमित्रोव स्ट्रीट के ही हाउस नंबर 4 में शिफ्ट हो गए थे। और वहाँ शिफ्ट होने के बाद कुछ सालों तक तमारा ने एक ट्रैवल एजेंसी के अंदर काम किया और इसके बाद उसने ग्रैंड होटल यूरोप में भी काम किया। ये सेंट पीटर्सबर्ग्स की एक बहुत बड़ी 5-स्टार होटल है जो 1875 में बनी थी। एंड आफ्टर वर्किंग देयर फॉर 16 ईयर्स तमारा वहाँ से रिटायर हो चुकी थी। उसने ग्रैंड होटल यूरोप के अंदर 16 साल तक काम किया था और इसके बाद तमारा और एलेक्सी उसी अपार्टमेंट में रहते थे एंड दे वर हैप्पी। लेकिन अचानक से साल 2000 के अंदर
एलेक्सी गायब हो गया। हाँ, वो डिसअपीयर हो गया, किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला और आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। आफ्टर एलेक्सीज डिसअपीयरेंस टमारा अकेली हो गई थी, ना उसके पास कोई फाइनेंशियल सोर्स बचा था और वो बहुत लोनली भी रहने लग गई थी एलेक्सी के जाने के बाद। तो इसके बाद टमारा को एक आइडिया आया उसकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करने का और उसकी लोनलीनेस भी थोड़ी कम करने का। उसने अपना घर रेंट पे रखना स्टार्ट कर दिया था। वो अपने पूरे अपार्टमेंट में से एक कमरा रेंट पे दे देती थी और जो उसके टेनेंट्स होते थे वो उसको पैसे भी दे देते थे और घर में एक दूसरे व्यक्ति के होने के कारण उसको लोनली भी थोड़ा कम फील होता था। तो हाँ, उसका काम अच्छा चल रहा था। ईयर 2000 से लेके 2015 तक लगभग 13 टेनेंट्स आए थे तमारा के घर में रहने के लिए। एंड इन 2015 तमारा की मुलाकात हुई वैलेंटीना से, और वैलेंटीना भी दिमित्रोव स्ट्रीट पे रहती थी और वैलेंटीना की उम्र लगभग 79 थी और उस टाइम तमारा भी लगभग 76 की हो चुकी थी। और सेम एज की होने के कारण उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप बढ़ने लगी और वो दोनों एक दूसरे से मिलती रहती थी और वो बातें करती रहती थी। आफ्टर दिस तमारा ने वैलेंटीना से एक दिन पूछा कि मेरे घर में रेनोवेशन का काम स्टार्ट होने वाला है, तो क्या कुछ महीनों के लिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में शिफ्ट हो सकती हूँ? और वैलेंटीना सेड यस। तमारा ने वैलेंटीना को ये भी प्रॉमिस किया था कि अगर कुछ दिन वो उसे अपने घर में रहने देगी तो वो उसका हाथ भी बढ़ाएगी सारे कामों में। तो वैलेंटीना ने हाँ बोल दिया और तमारा उसके साथ शिफ्ट हो गई। कुछ महीने गुजरे, सब अच्छा चल रहा था, वो दोनों अपना काम करती थी और साथ रहती थी। और इसके बाद तमारा को वैलेंटीना का घर बहुत अच्छा लगने लग गया था और वो उस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। लेकिन आफ्टर सम टाइम वैलेंटीना को टमारा से प्रॉब्लम होने लग गई थी। दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल कि एक दोस्त अपने साथ ज़्यादा टाइम के लिए रह लेता है तो एक टाइम आता है कि कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है दो लोगों के बीच में। तो वैलेंटीना ने तमारा को अपने घर जाने के लिए बोला और इस टाइम तक तमारा का घर भी रेनोवेट हो चुका था, लेकिन तमारा ने उसे साफ मना कर दिया। तो इसके बाद उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप खराब होने लगा और उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। वो हर रोज छोटी छोटी बातों पे लड़ने लगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो तमारा थी उसे बचपन से ही स्किज़ोफ्रेनिया था। ये एक बीमारी होती है जिसके अंदर हलूजिनेशंस आते हैं, डिल्यूजन आते हैं और रियलिटी से इंसान कुछ समय के लिए दूर हो जाता है। और इन सब लड़ाई झगड़े के दौरान तमारा एक दिन पुश्किन गई, और पुश्किन एक टाउन है, एक छोटा टाउन है जो कि सेंट पीटर्सबर्ग्स के अंदर ही आता है। और पुश्किन की एक फार्मेसी से उसने एक ड्रग ली जिसका नाम है फेनाजेफैम। ये ड्रग रशिया के अंदर ही बनी थी और ये मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए काम आती है, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया जैसे मैंने बताया। तो इसका प्रेस्क्रिप्शन था तमारा के पास, तो उसने वहाँ की फार्मेसी से वो दवाई ले ली। एंड ऑन द वे बैक टू हर होम उसने थोड़ा ऑलिवर सैलेड भी लिया और वो सैलेड वैलेंटीना का फेवरेट था, और उसने उस सैलेड के अंदर उस ड्रग्स का पाउडर बना के डाला और वो वैलेंटीना को खिला दिया। और जो ये ड्रग है फेनाजेपैम, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर इसको ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो ये एक एनेस्थीसिया की तरह यूज़ आता है। ये आपकी बॉडी को एकदम नम कर देता है और आप कॉन्शियस नहीं रहते इसको लेने के बाद। 23 जुलाई की रात को तमारा ने ये सैलेड वैलेंटीना को खिलाया और वो ऊपर सोने के लिए चली गई अपने रूम में। और वो जब आधी रात को वापस नीचे आई तो उसने देखा कि वैलेंटीना वो किचन में पड़ी थी। शी वॉज अनकॉन्शियस बट नॉट डेड। इसके बाद तमारा ने किचन से दो नाइव्स लिए और वैलेंटीना की बॉडी को काटना स्टार्ट किया। उसने वैलेंटीना का सर सबसे पहले अलग किया और फिर उसकी फिंगर्स काटी और उसकी बॉडी को दो भागों में काट दिया। और इसके बाद तमारा ने वैलेंटीना के लंग्स निकाले और उसके हेड से उसका ब्रेन निकाला और ब्रेन और लंग्स को प्रेशर कुकर में पका के कुक करके उनकी एक डिश बना के वो खा गई। और इसके बाद तमारा ने कुछ पॉलीथीन बैग्स लिए और वैलेंटीना की बची बॉडी को उसके अंदर डाला और वो अपने घर से बाहर उसको एक पॉन्ड के पास फेंक के आ गई। यू कैन सी दिस इन वीडियो कि कैसे वो उन बैग्स को अपने घर से बाहर फेंक के आ रही है। और इसके बाद की स्टोरी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी। और जब वैलेंटीना का घर इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस वाले श्योर हो गए थे कि तमारा ने ही वैलेंटीना को मारा है, और इसके बाद पुलिस ने इंस्टेंटली तमारा को अरेस्ट कर लिया। और जब और इन्वेस्टिगेशन करी गई तो पुलिस को वैलेंटीना के ही घर में वैलेंटीना का हेड और एक डायरी मिली। वो डायरी तमारा की थी और वो एक डेली जर्नल थी। तमारा उसमें अपने रोज के दिन के बारे में लिखती थी कि क्या उसके साथ हुआ और उसने क्या क्या किया। जब पुलिस ने इस डायरी को पढ़ना स्टार्ट किया
तो दे वर शॉक्ड कि एक बूढ़ी औरत ऐसा सब कैसे कर सकती है। उस डायरी में तमारा के सारे क्राइम्स के बारे में साफ साफ लिखा था। डायरी में लिखा था कि कैसे तमारा अपने जो टेनेंट्स उसके घर रुकने आते थे उन्हें वो सेम ड्रग देती थी, और जब वो अनकॉन्शियस हो जाते थे तो उनकी बॉडी को काट के उनके लंग्स और ब्रेन निकाल के तो खा लेती थी और बाकी की बॉडी को वो डिस्पोज कर देती थी। ये बात 6 सितंबर 2003 की है। उस वक्त तमारा के घर में एक सरजी पैतानी नाम का इंसान रहता था, वो टेनेंट था उस वक्त उसका, और उसकी उम्र लगभग 44 ईयर थी। तो उनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो गया था, और आर्ग्यूमेंट के बाद तमारा ने उसे सेम ड्रग दिया, और जब वो अनकॉन्शियस था तो उसने उसकी बॉडी को काट दिया। उसकी बॉडी को काट के उसने उसके लंग्स निकाले और ब्रेन निकाला और उसे वो पका के खा गई। बाकी की उसकी पूरी बॉडी तमारा ने डिस्पोज कर दी थी। मिसेस प्रीज्यूम के उसके हस्बैंड को भी तमारा ने ही मारा था और उसे मार के उसकी बॉडी से छुटकारा पा लिया था। पर जो मर्डर जो पुलिस प्रूव कर पाई थी जो तमारा ने किए थे वो सिर्फ दो थे, जिसमें से एक था वैलेंटीना का और दूसरा था सरजी का। पर उस पे बाकी के 12 मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, क्योंकि जो वहाँ के लोग थे डिमित्रोव स्ट्रीट के, उसने टेनेंट्स को वहाँ आते देखा था, उसके घर में वहाँ रहते देखा था, और टेनेंट्स की बात होती थी उन लोगों से, नेबर्स से। लेकिन जब वो टेनेंट्स वहाँ से जाते थे तो कभी किसी को बाय बोल के नहीं जाते थे अपने नेबर्स को। तो वहाँ के नेबर्स को वो स्ट्रेंज फील हुआ कि ये लोग कभी हमें बाय बोल के क्यों नहीं जाते। दिस इज बिलीव्ड कि उन सबको भी तमारा ने मार दिया था। इंस्टेंटली ये केस बहुत फेमस हो गया था पूरे रशिया में, क्योंकि ऑब्वियसली एक हाई प्रोफाइल केस था। तो इसके बाद तमारा को सब लोग जानने लग गए थे पूरे रशिया में, और मीडिया वाले उसके सामने कैमरा लेके पहुंच जाते थे। अपनी इस फेम से, अपनी इस नेगेटिव फेम से तमारा बहुत खुश होती थी, और वो कैमरा के सामने हाई करती थी, और वो बहुत खुश होके उस कैमरा के सामने एक्ट करती थी। शी वॉज हैप्पी दैट पीपल वर नोटिसिंग हर। और इसके बाद जब तमारा को साइकियाट्रिस्ट से मिलाया गया और जाँच करी गई तो पता चला शी वॉज नॉट मेंटली स्टेबल। और अपने एक सेशन के अंदर तो उसने बता भी दिया था कि उसने अपने एक टेनेंट जिसका नाम वोलोडिया था उसको काट के और प्लास्टिक बैग्स में भर के फेंक दिया था। और जब उससे और पूछताछ करी गई तो पता चला शी वॉज इंस्पायर्ड बाई बाबा यागा। बाबा यागा एक स्लैविक फोक है, मतलब उसे रशिया और उन कंट्रीज के अंदर एक स्टोरी टाइप है, जिसके अंदर जो बाबा यागा का कैरेक्टर है वो बच्चों को काट के उनके बॉडी पार्ट्स खाता है। ये बहुत ही फेमस मिथोलॉजी है उस एरिया की, और अभी भी सुनाई जाती है वहाँ पे बच्चों को। और इस बाबा यागा की स्टोरी के अंदर बताया गया है जो बाबा यागा थी वो बच्चों के पार्ट्स इसलिए खाती थी क्योंकि अगर वो जो पार्ट उस बच्चे की बॉडी का खाएगी और वही पार्ट उसकी बॉडी का स्ट्रांग होगा। तो इसीलिए तमारा अपने विक्टिम्स का ब्रेन और लंग्स खाती थी, क्योंकि उसे अपने खुद का ब्रेन और लंग्स स्ट्रांग करने थे। और दिसंबर 2015 के अंदर कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया और तमारा को कजान के एक प्रिजन हॉस्पिटल में भेज दिया उसके साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए। शी कैन नेवर गेट आउट बाई ए बेल और एनीथिंग। तो यस, दैट वॉज इट। और मेरे व्यूज इस केस पे कुछ ऐसे हैं, वी कांट ट्रस्ट एनीवन इन दिस वर्ल्ड। वो एक बूढ़ी औरत थी, उसकी उम्र लगभग 76 ईयर्स थी, तो उससे कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि ये किसी को मार सकती है, क्या ये किसी को हार्म भी पहुंचा सकती है। लेकिन उसने उस उम्र में 14 मर्डर्स किए थे। आई एम नॉट टेलिंग यू टू डोंट ट्रस्ट एनीवन, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू डोंट अंडर एस्टिमेट एनीवन। इफ ए 76 ईयर ओल्ड लेडी कैन किल समवन, तो इस वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। यस, दैट वॉज इट। Please like this video and subscribe to this channel if you like such content, and follow me on Instagram. You can suggest me some good case over there. And in the end, talk to your loved ones so closely, so openly, and I'll meet you in another case. Bye bye.